हाय फ्रेंड्स, भारत रसोई चैनल में अपने सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज मैं अपने दर्शकों के लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूं फ्रेंड्स, तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिए और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बनाना फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूली की सब्जी बनाने के लिए मैं किन किन चीजों का प्रयोग कर रही हूँ तो चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आधा केजी मूली लिए हैं और ये 5 मीडियम साइज का बॉयल किया हुआ आलू है फ्रेंड्स, और ये 100 ग्राम चना दाल फूलने के लिए दे दिए थे और अच्छे तरीके से धो लिए हैं और दाल अच्छे तरीके से फूल भी गया है। और ये 1.5 गांठ लहसुन लिए हैं फ्रेंड्स, ये 1.5 गांठ लहसुन है और ये थोड़ी सी अदरक ले लिए हैं और 2 मीडियम साइज का प्याज लिए थे फ्रेंड्स। तो एक प्याज को मैं टुकड़ों में काट चुकी हूँ और एक प्याज को बारीक काट चुकी हूँ फ्रेंड्स, और ये 2 टुकड़ों में टमाटर को काट लिए हैं, ये मीडियम साइज का टमाटर है फ्रेंड्स, और ये थोड़ी सी जीरा लिए हैं, ये लगभग 2 बड़े चम्मच जीरा होगा। तो इसी सामग्री से बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, मूली को ऊपर का परत छील लेंगे मूली का और मूली को कद्दूकस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मूली को कद्दूकस कर ले रहे हैं। तो इस तरह से ऊपर का परत हल्का हल्का छील लेंगे मूली का, तो सारे ऊपर का परत जो है फ्रेंड्स हटा दे रहे हैं और मूली को अच्छे तरीके से धोकर कद्दूकस कर ले रहे हैं। तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कद्दूकस कर चुके हैं मूली को, और मूली में बहुत सारा पानी रहता है फ्रेंड्स, तो पानी को सारा मूली का जो पानी है सारा पानी को गाड़ लेंगे। तो एक कॉटन का कपड़ा एक बॉल पे रख चुकी हूँ फ्रेंड्स, और सारे मूली को कपड़ा पे रख देना है, कॉटन की कपड़ा पर, और इसका जितना भी पानी है फ्रेंड्स मूली का सारा पानी को निकाल लेना है। तो चलिए हम लोग पानी को जितना पानी निकल सके निकाल लेंगे मूली से, और कपड़े को अच्छे तरीके से निचोड़े इस तरह से जो कि पानी निकले मूली का। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सारा पानी निकल रहा है मूली से। अब इस मूली को एक बाउल में रख लेंगे, और फ्रेंड्स ये जो 1.5 गांठ लहसुन और थोड़ी सी जो अदरक लिए थे, तो अदरक को हम लोग कद्दूकस कर लेंगे, और ये लहसुन जो है फ्रेंड्स आधा आधा लहसुन का पेस्ट बनाएंगे और आधा कद्दूकस करके मूली के साथ ही मिक्स कर देंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले अदरक को कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अदरक को भी कद्दूकस कर लिया, अब लहसुन को भी कद्दूकस कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मूली के साथ लहसुन अदरक को भी कद्दूकस कर चुके हैं। अब हम लोग को मसाला का पेस्ट बनाना है। तो ये मसाला में फ्रेंड्स लहसुन, जीरा, और ये एक बड़े साइज का, ये मीडियम साइज का प्याज था फ्रेंड्स, एक मीडियम साइज का प्याज, और ये 2 मीडियम साइज का जो टमाटर था, इस सभी का हमें पेस्ट बनाना है। तो चलिए पेस्ट बना ले रहे हैं, और ये फुला हुआ दाल जो फ्रेंड्स है इसे भी पेस्ट बनाना है। तो चलिए सभी का पेस्ट बना के फिर मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारे मसाले को पीस चुकी हूँ, और ये दाल जो था फ्रेंड्स इसे भी पीस चुकी हूँ, और इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाली हूँ, क्योंकि अगर पानी डालेंगे ना फ्रेंड्स तो ये गीला हो जाएगा, इसीलिए मैं टाइट ही पीसी हूँ। ये दाल देखिए बहुत टाइट ही है, इसमें पानी का अंश बहुत ही कम है फ्रेंड्स। तो अब ये दाल को मूली के साथ मिक्स करूंगी। तो ये दाल वाला पेस्ट मूली के साथ डाल दिए। तो इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि और सारे सामग्री को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसमें एक छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे फ्रेंड्स, काली मिर्च से स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स कर चुके हैं मूली और दाल की पेस्ट को फ्रेंड्स, और जो भी सारे मसाले दिए थे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसका हम लोग टिकिया बनाएंगे। तो इस तरह से पेड़ा के शेप में बना लेंगे फ्रेंड्स, और कढ़ाई में एक ईंधन पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, और
कढ़ाई में तेल डाल चुके हैं फ्रेंड्स और तेल गर्म हो चुका है। अब इस टिकिया को डाल देना है तेल में। तो दो तीन करके फ्रेंड्स दो तीन टिकिया डाल दे तेल में और उलट पुलट कर इसे अच्छे तरीके से तल ले। तो ये मेरा तीन टिकिया बन चुका है। इसी तरह से मैं सारे टिक्की को बना लूंगी। उसी से सारा टिक्की तला चुका है फ्रेंड्स। आपके बच्चे तो बहुत ही चाव से खाएंगे। तो आप देख सकते हैं अंदर से फ्रेंड्स और ऊपर पूरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अंदर बहुत ही सॉफ्ट है। तो बचे हुए तेल में फ्रेंड्स ये जो 5 मीडियम साइज का आलू था इसे डाल देंगे तोड़कर और इसे भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे आलू को। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आलू को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं और एक बाउल में आलू को भी रख लेंगे निकाल कर कढ़ाई से। अब फिर से एक कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे फ्रेंड्स। सरसों की तेल है। तेल गर्म होने के बाद 2 तेजपत्ता डाल देंगे, 2 लौंग, 2 इलायची को भी डाल देंगे और ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स तेजपत्ता इलायची लौंग सारा पक चुका है। अब इसमें ये एक बारीक कटा हुआ प्याज को डाल देंगे और प्याज को भी ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो प्याज को भी हल्का ब्राउन होने तक पका लिए हैं। अब इसमें ये जो मसाला का पेस्ट बनाकर रखे थे फ्रेंड्स टमाटर प्याज जीरा लहसुन का इसे डाल देंगे। इसमें 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे फ्रेंड्स। ये तीखा नहीं होता। अगर तीखा खाना है फ्रेंड्स तो इसमें आप हरा मिर्च या लाल मिर्च पीस सकते हैं डाल सकते हैं। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और सभी मसाले को फ्रेंड्स अच्छे तरीके से भूनेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मसाले को अच्छे तरीके से भून लिए हैं। अब इसमें ये जो फ्राइड किया हुआ आलू था फ्रेंड्स इसे डाल देंगे और अच्छे तरीके से मसाले के साथ आलू को 1 मिनट तक भून लेंगे और अपने जरूरत के हिसाब से इसमें ग्रेवी डालें फ्रेंड्स। तो मैं ग्रेवी में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ग्रेवी में नमक डाल चुकी हूँ और इसे ढककर 5 मिनट तक ग्रेवी में बॉईल आने तक पका लेंगे। तो चलिए ढक दे रहे हैं ग्रेवी को। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ग्रेवी में बॉईल आ चुका है। अब इसमें ये टिक्की जो बनाया है मूली वाला इसे डाल देंगे और इसमें बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर होगा इसे भी डाल दे रहे हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की मूली की यूनिक रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल पर आप कमेंट करें। इसी तरह की मजेदार रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को बाय बाय नमस्कार।